हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत ही खास टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कॉची सीक्वेंस या फिर फंडामेंटल सीक्वेंस। बहुत ही कमाल का टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है। उस थ्योरम को हम लोग प्रूव भी करेंगे और सबसे कमाल का जो मैं एक्साइटेड हूँ ये टॉपिक बताने के लिए, जिस रीजन से एक्साइटेड हूँ, मैं इस टॉपिक को फील करवाने वाला हूँ आप लोगों को, एग्जैक्ट फील करवाऊंगा कि ये है क्या चीज, हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, नंबर लाइन पे देखें तो चल क्या रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो इशू है, 100 में से 99 स्टूडेंट्स को जहां प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि an माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, कभी एप्सिलॉन बाई 3 ले लिया, तो ये क्या पंगा है। एप्सिलॉन होता है जब डेफिनेशन में हमने सीखा है कि an माइनस l का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर एप्सिलॉन बाई 2 का क्या पंगा है, एप्सिलॉन बाई 3 का क्या पंगा है, कहां से आ जाते हैं ये, कहां चले जाते हैं ये, किसमें डालना है किसमें नहीं लगाना है, ये जो इशू है ना, ये मेजर इशू यहां मैं इस वीडियो में इसको सॉल्व करने वाला हूं प्रैक्टिकली दिखा करके आपको, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। मैं बता दूं एक बार आपको कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तो ये है कॉची सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा शांति से समझेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे कि है क्या चीज, है ना। और थोड़े बहुत मैं इसमें ग्राफ वगैरह भी बनाने की कोशिश करता हूं इसको समझाने के लिए। फिर एक एग्जांपल लेंगे, बहुत आसान सा एग्जांपल है कि 1/n सीक्वेंस है, उसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल उससे थोड़ा सा बेटर लेंगे, n अपॉन 1 प्लस n, ये एक सीक्वेंस है, इसको भी कॉची सीक्वेंस हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये दो बेसिक से एग्जांपल होने के बाद जबरदस्त टॉपिक, मतलब यही है जान इस लेक्चर की, कि कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी को प्रूव करेंगे। ये एक्चुअली थ्योरम की तरह दे रखा होता है बहुत सारी बुक्स में, तो ये प्रूव भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, और अपने समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फील करने के लिए इसका प्रूव बहुत जरूरी है, तो वो भी हम लोग करेंगे। बहुत छोटा सा प्रूव है लेकिन मजा आएगा आपको देखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है ये थोड़ा धमाकेदार का एग्जाम्पल लिया है, दो तक तो आसान थे, तीसरा चौथा एग्जाम्पल थोड़ा धमाकेदार है, जिसमें कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का यूज लेंगे नॉट कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए इसको, और सेम टू सेम एग्जाम्पल एक ये दूसरी सीक्वेंस है जिसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हम लोग उसको यूज लेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल लेक्चर है जो हम लोग अगले कुछ देर में कवर करने वाले हैं। तो मैं शुरू कर लेता हूं वापस से 1 नंबर से। देखो शुरू करते हैं, कॉची सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस, अच्छा एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया आपको, कि इस पूरे लेक्चर के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट नया नया बनाया ही है आप लोगों के लिए। लिंक आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिले या आप परेशान हो रहे हो, नहीं मिल रहा है आपको कहीं पर, तो फिर व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा और वहां पर फिर आप नोट्स ले सकते हो, तो शांति मिलेगी आपको नोट्स से रिलेटेड, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं डिलीवर नहीं कर पाता हूं आपको, और बहुत बार नहीं भी देख पाता हूं, तो टेंशन ही खत्म, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम लोग ये काम कर लेंगे, ठीक है। चलो अब फाइनली शुरू करते हैं कि कॉची सीक्वेंस या फंडामेंटल सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस an इज कॉल्ड फंडामेंटल और कॉची सीक्वेंस इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी एप्साइलन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस am का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n कोमा m इज ग्रेटर देन n 0, और साथ में यहां पर n हमने बड़ा लिया है m से, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं an प्लस p माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन n 0 एंड p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये कुछ खास खास लाइनें यहां पर लिखी हुई है, और इसमें मैं एक दो चीजें और बता दूं आपको कि कुछ बुक्स में 3 दे रखी होती हैं, लेकिन अपना काम 2 से चल जाएगा, सारा का सारा अपने को 2 से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस में भी ये 2 से पूरी तरीके से काम खत्म हो जाएगा अपना, इसलिए 2 काफी है, अननेसेसरी तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, भली 2 चला लो काम। कुछ में 1 ही दे रखी होती है, कुछ में 2 दे रखी होती है, कुछ में 3 दे रखी होती है, तीनों सेम ही लाइन्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सेम है तीनों की तीनों लाइन्स, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कब बोलोगे आप, अगर ध्यान से समझना, किसी आर्बिट्री एप्सिलॉन जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है उसके लिए सीक्वेंस की एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में, मतलब सीक्वेंस में a1 है, a2 है, a3, a4, a5 बहुत सारी टर्म्स होती है ना, an में क्या क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस है an तो क्या क्या है इसमें,
A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ढेरों हैं, कहीं AN0 आ रहा होगा, उसके आगे की टर्म्स आ रही होंगी, उसके बाद कहीं AM आएगा, कहीं पर और आगे जा करके AN आएगा, और मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हैं सीक्वेंस में, तो इनफाइनाइट टर्म्स होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स मान लो इस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। कॉशी सीक्वेंस किसको बोलेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर टर्म के बाद वो पर्टिकुलर टर्म मान लो ये है, एक बार के लिए वो पर्टिकुलर टर्म ये है, जो कि किस पे डिपेंड करेगी, वो पर्टिकुलर टर्म एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा कि N0 कितना आएगा, मतलब वो पर्टिकुलर टर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन, और उस पर्टिकुलर टर्म के बाद में आने वाली सारी टर्म्स में से कोई दो टर्म उठा लो रैंडम, और उन दो टर्म्स का डिफरेंस का मॉड इस एप्सिलॉन से छोटा आएगा हमेशा ही, तो फिर उसको कॉशी सीक्वेंस बोलेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में आने वाली सारी टर्म्स में से कोई दो टर्म आपने उठाई रैंडमली, और हमेशा ही उनका डिफरेंस का मॉड एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है, मतलब एक टर्म के बाद के आने वाली सारी टर्म्स आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं है, ये समझो आप इस टर्म के बाद में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं आसपास में बहुत पास पास है, इसीलिए तो कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो ऐसा अगर कोई केस हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉशी सीक्वेंस। सेम यहां भी है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वापस से सुनेंगे कि आर्बिट्री एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है और इसी पे N0 डिपेंड करेगा। There exist N0 belongs to natural numbers. किस पे डिपेंड है? Epsilon पर। जो Epsilon की वैल्यू आएगी accordingly N0 की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन N0 की वैल्यू चेंज होने के बाद मतलब कोई ना कोई N0 अगर ऐसा एग्जिस्ट कर ही रहा है जिसके लिए N0 के बाद में आने वाली सारी टर्म्स N, M बड़ी है N0 से, मतलब N0 के बाद में आएंगी कोई वो दो टर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो N0 वाली टर्म के बाद में आने वाली कोई भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है, बात खत्म, इतनी ही बात है। इसमें भी हम लोग N को बड़ा ले रहे हैं रेफरेंस के लिए, आपकी मर्जी है M को बड़ा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां जो लिखा है उसके हिसाब से यहां बना है और कोई बात नहीं है। बाकी जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है उसमें तो AN छोटा आएगा, AM बड़ा आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस में तो वैल्यूज छोटी होती जाएंगी, तो ये छोटा ये बड़ा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, N और M बड़े और छोटे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग यही मानकर चलेंगे और लास्ट तक हम लोग यही मानकर चलेंगे कि N बड़ा है M से, और उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा सॉल्यूशन करेंगे, या आगे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो डेरिवेशन करेंगे तो इसको रेफरेंस में लेके करेंगे। दूसरी बात, इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिखा है ध्यान से समझें, AN प्लस P माइनस AN का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ N इज ग्रेटर देन N0, यहां पर कौन कौन दिख रहा है, एक तो N दिख रहा है, एक P दिख रहा है, तो N 0 से बड़ी ही सारी वैल्यूज है, N0 से बड़ी वाली सारी वैल्यूज को N बोला है और P कोई नेचुरल नंबर लिया है। अब ध्यान से समझा, आप चाह रहे हो रैंडमली कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो टर्म्स चाह रहे हो उनका डिफरेंस लेना, तो ये और ये कैसे सेम है, समझना ध्यान से, AN प्लस P वो टर्म जो इस तरफ लेना चाह रहे हो आप वो हो जाएगी, या कह लो कि जैसे N की वैल्यू आप चाह रहे हो, N0 आपका आ गया मान लो 50, N0 आपका 50 आ गया, N0 से बड़े वाले सारे के सारे N है, आप N मान लो एक बार के ले रहे हो 55 और P आपकी मर्जी से चूज कर लो 2, तो ये कितना हो जाएगा A57 माइनस ये कितना हो जाएगा A55, तो कोई भी दो रैंडम टर्म्स का डिफरेंस ले सकते हो कि नहीं N और P की वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग चेंज करके, जैसे इसमें कर रहे थे, यहां तो डायरेक्ट ही दो रैंडम कोई भी टर्म्स उठा रहे थे अपन जिसमें से N बड़ा है M से, ऐसी दो टर्म्स हम लोग उठा रहे थे, यहां भी सेम काम कर रहे हैं, N प्लस P ऑब्वियसली बड़ा होगा N से क्योंकि P कोई नेचुरल नंबर है तो कुछ ना कुछ तो जुड़ ही रहा है उसमें, ठीक है, तो N प्लस P बड़ा है N से और इस तरह से एडजस्ट करके मतलब हम लोग हर टर्म ले सकते हैं। अब N0 की वैल्यू 50 है, आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को तो 52 और 53 का डिफरेंस चाहिए, तो आप N की वैल्यू 52 ले लो और P की वैल्यू 1 ले लो, तो 52 प्लस 1 53 भी हो जाएगा और दूसरा वाला 52 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दूसरी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये दूसरी जो लाइन लिखी हुई है
वो और ये ऊपर वाली लाइन एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है मीनिंग में इनके, लिखा हुआ अलग है। लिखा हुआ अलग क्यों है, क्यों लिखा है अपन ने अलग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस वाली लाइन से इजी हो जाते हैं हमारे लिए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस वाली लाइन से इजी पड़ते हैं अपने को करने में। मतलब दोनों का सेम ही है, तो फिर जिससे मर्जी उससे करो, तो जिससे इजी पड़ता है हम लोग उससे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी से करने पर आंसर आएगा या केवल इसी से करने पर आंसर आएगा कुछ क्वेश्चंस का, दोनों से आ सकता है, लेकिन कभी कभी इजी पड़ता है इससे, कभी इजी इससे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चूज कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चूज करना है, कैसे समझना है, ये वाली बात भी अपन चार एग्जांपल्स करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये पता चले कि किससे इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से वापस से, उसके बाद एग्जांपल शुरू कर देंगे। क्योंकि अपन डेफिनेशन ये है कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू में बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है, न के बराबर डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में आने वाली सारी टर्म्स जो भी हैं उनमें उनकी वैल्यूज आपस में बहुत कम डिफरेंस पे है, इसलिए कोई भी दो रैंडम वैल्यूज उठाएंगे तो उनका डिफरेंस अमाउंट एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। एप्सिलॉन कोई भी रैंडम नंबर है, रैंडम रियल नंबर है, पॉइंट्स में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर ले रहा हूं मैं, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है एप्सिलॉन, अकॉर्डिंगली चेंज होगा एन जीरो। मतलब मैं जो कह रहा हूं कि जो फिक्स्ड टर्म है उसके बाद में आने वाली कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लो आप एप्सिलॉन से छोटा आएगा, तो वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा कि वो फिक्स्ड टर्म कौन सी आएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि ऐसा होता है क्या कि यार एक पर्टिकुलर टर्म आपने देख ली और उसके बाद में आने वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस बहुत ही छोटा है, ऐसा हो सकता है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं एक बार, देखो ध्यान से देखेंगे, मैं तीन एग्जांपल्स ले रहा हूं, तीन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तीन ही पैटर्न्स पॉसिबल है। अभी आप आगे जाकर के देखोगे कि कॉशी सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, तो मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड ही तीन एग्जांपल्स ले रहा हूं। एक तो ये बहुत ही सिंपल सा और ऑब्वियस सा सबसे कॉमन एग्जांपल, ये जो हम आगे इसको लेंगे भी कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए। इसके बाद में एक लेता हूं माइनस का वन अपॉन एन, क्यों मैंने ये चुने मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। वन माइनस माइनस वन की पावर एन अपॉन में एन, सही है ना, ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। मैंने क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपको बताया था ना, तो मैं उस टाइम ग्राफ बनाना भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था और वीडियो कंप्लीट होकर के अपलोड हो गया उसके बाद मेरे दिमाग में आया, तो उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता था। तो मैं यहां पर वो ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ग्राफ चलते हैं ग्राफिकल फॉर्म में अगर उसको देखें तो, और इससे ये कैसे कनेक्ट हो रहा है कॉशी सीक्वेंस ये भी देख लेते हैं एक बार। तो 1 अपॉन n मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बेसिकली ये डिक्रीजिंग है, 1/1 फिर 1/2 फिर 1/3, मैं बना भी देता हूं एक बार। यहां पर a1 की वैल्यू 1/1 है, a2 की वैल्यू 1/2 आएगी, a3 की वैल्यू 1/3 आएगी, a4 की वैल्यू 1/4 आएगी, ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब इधर मैं बात करूं तो a1 की वैल्यू -1/1 आएगी, a2 की वैल्यू -1/2 आएगी, a3 की वैल्यू -1/3 आएगी और a4 की वैल्यू -1/4 आएगी, और इसी तरह से चलती जाएगी। तो आप नोटिस करोगे ये तो डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, माइनस वन से बड़ा कौन, माइनस का 1/2, उससे बड़ा कौन, माइनस का 1/3, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसकी बात करते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वो ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, कैसे पता, निकालो वैल्यूज। a1 है 1 माइनस माइनस 1 की पावर 1/1 मतलब 2, a2 2 रख दो n की जगह 2 रख दोगे तो 1 - 1/2 दैट मींस 1/2, a3 अगर आप निकालते हो तो a3 आएगा 1 + 1/3 दैट मींस 1 + 1/3 आपका बन जाएगा 4/3, 1 + 1/3, और a4 कितना आ रहा है, a4 आएगा 1 - 1/4 मतलब 3/4, ये इस तरह से चलेगी। मतलब तो आप देखो कि 2 से कम हो गया 1/2, उससे देख के लग रहा है कि डिक्रीजिंग हो सकता है लेकिन आगे 1/2 से बढ़ गया 4/3, तो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तीन तरह के एग्जांपल्स ले लिए, इनको ग्राफ पे एक बार बना के देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या होता है, इसका ग्राफ भी बन सकता है क्या, मतलब ये भी एक सरप्राइजिंग की बात होती है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से कुछ कुछ आएगा, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा यूं आएगा, ठीक है, ये जीरो है, ये मान लो n की वैल्यूज इधर लेंगे, n की वैल्यू जैसे 1 होगी तो क्या आंसर आएगा, an का an इधर ले लेते हैं
भी n की वैल्यू 1 रखी तो a1 आया, n की वैल्यू 2 रखी तो a2 आ गया, n की वैल्यू 3 रखी तो a3 आ गया, यही चलेगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और ढेरों चलती जाएंगी, कितना रखोगे, इन्फिनिट तक है। तो अपन केवल पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो इस वाले पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप नोटिस करोगे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेकर के 1/∞ मतलब 0 तक जाएगा। 1/1 से शुरू होकर के 1/∞ मतलब 0 तक जाएगा। तो 0 से 1 तक की वैल्यूज हैं। क्यों अपन ज्यादा बढ़ा लें, तो आप यहां पर मैक्सिमम 1 तक ही ले लो केवल इसको, उसके आगे के जो भी हैं अपने को उससे मतलब भी नहीं, उससे आगे जाना भी नहीं है वैसे भी, ये 1 तक है। इसी के बीच में यहां पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 अगर आपको बनाना है तो करीब करीब यहाँ बनेगा 1/3, 1/4 बनाना है तो करीब करीब यहाँ बन जाएगा 1/4, और इस तरह से बनता जाएगा, मतलब पास पास की वैल्यूज आ जाएंगी, देख नहीं पाएंगे ठीक से अपन इसको, ठीक है। और जीरो ये हो ही गया, मैंने ये गलत बना दिया, क्या गलत हो गया इसमें, गलत ये हो गया कि 1/2 यहाँ पर है तो 1/3 तो यहाँ आएगा ना, सॉरी ये 1/3 हो गया, यहाँ कहीं 1/4 आएगा, ये 1/4 आएगा, ऐसे ही फिर आगे बढ़ती जाएंगी वैल्यूज 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ऐसे बढ़ती जाएंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी नीचे जाके, ठीक है। अब इसके बाद प्लॉट करो जरा इसको, प्लॉट अगर कर रहे हो आप तो ये बनेगा, देखो a11 है मतलब n की वैल्यू 1 रखने पर A1 कितना मिला 1, n की वैल्यू 2 रखने पर A2 कितना मिलेगा 1/2, n की वैल्यू 3 रखने पर A3 कितना मिलेगा 1/3, n की वैल्यू 4 रखने पर A4 कितना मिलेगा 1/4, इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, तो वो सीक्वेंस दिखेगा अपने को कि क्या चल रहा है ना। तो ठीक है, किस तरफ जा रहा है अपने को पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू 1 रखने पर 1 ही मिल रहा है, तो ये यहां पर आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 2 रखने पर 1/2 मिल रहा है, मतलब यहां पर आ गया, 3 रखने पर 1/3 मिल रहा है, 4 रखने पर 1/4, 5 रखने पर 1/5, 6 रखने पर 1/6, 7 पे 1/7, देन 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। आप नोटिस करोगे कि 0 को कभी टच ही नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 लाख भी ले लिया आपने तो 1/1 लाख, 1 के डिवाइड में 1 लाख भी आएगा तो 0 से तो बड़ा ही है ना, तो सारी वैल्यू 0 से बड़ी आएंगी। कहने का मतलब अगर इसको ध्यान से देखो, वैसे डिस्क्रीट ही ग्राफ आने वाला है, कंटिन्यू नहीं आने वाला, क्योंकि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स है तो डिस्क्रीट फॉर्मेट में है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा लेकिन ब्रेक होते हुए आ रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि इतना पास होता जा रहा है नीचे जाकर के, इतना पास होता जा रहा है। तो अगर हम कोई एक एप्सिलॉन के लिए चेक करना चाहें n0, तो बहुत इजीली मिल सकता है। n0 मान लो चेक करना चाहें तो बहुत इजीली मिल सकता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद में आने वाली सारी टर्म्स का डिफरेंस कितना कम हो रहा है। अभी इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनका बहुत कम हो गया, इनका और कम हो गया, और कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बाद वाले टर्म्स का डिफरेंस बहुत ही कम होता जा रहा है, जैसे 1/100 और 1/101, कितना कम डिफरेंस है इसमें, डिवाइड करके देखोगे बहुत कम डिफरेंस है। इसके भी आगे क्या पता एप्सिलॉन की वैल्यू इस तरह से हो कि हमें और आगे की टर्म्स लेनी पड़े, ये और ये ले लो, अकॉर्डिंगली एप्सिलॉन चूज किया जाएगा, एप्सिलॉन के अकॉर्डिंगली चूज किया जाएगा ना n0। जैसे इसमें तो मैं चूज करके बता ही देता हूं आपको, आगे से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर निकल जाएगा फिर वो। मान लो एक बार के लिए एप्सिलॉन आप ले रहे हो, यहां पर एप्सिलॉन आप ले रहे हो ग्रेटर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01, यही ले लेते हैं एप्सिलॉन 0.01। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0.01 है, 0.01 का मतलब होता है 1/100, एप्सिलॉन है 1/100, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस 1/100 से बड़ा नहीं आए, तो ऐसा n0 चूज करना है आपको, ऐसा n0 चूज करना है। तो आप वैसे ये 100 पे अगर वैल्यू 1/100 आ रही है तो उससे आगे की जितनी भी टर्म्स लोगे आप, समझना इस बात को, ये 1/100 के बाद वाली टर्म्स 1/101, 1/102, 1/03, इसमें से शुरू से लेकिन लास्ट तक, लास्ट टर्म कौन सी होगी वैसे, लास्ट टर्म पता नहीं है अपने को कौन सी होगी, लेकिन जीरो मान सकते हो कि n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो वो लास्ट जीरो तक चला जाएगा। तो कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस यहां से लोगे, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस आप पहली और आखिरी का ही ले लो एक बार के लिए, पहली और आखिरी में ही सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 1/101 आएगा। तो इसका मतलब n0 क्या हो गया इस केस में, अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू 1/100 लेते हो तो n0 इस केस में हो गया 100,
ये इतना सिंपल यहां पर इसलिए दिख गया क्योंकि सिंपल सीक्वेंस थी। अगर सीक्वेंस थोड़ी सी टफ होगी तो इतना जल्दी नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा वो हम आगे के एग्जांपल्स में सीखेंगे कि एन जीरो कैसे पता चलेगा, वो आगे के एग्जांपल्स में आएगा। अभी केवल मैं इतना विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूं आपको कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या नॉर्मल वाली भी, तो उस केस में एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में मतलब ये गैप बहुत कम होता जाता है, ये गैप बहुत कम होता जाता है। जो लिमिट होती है ना, लिमिट क्या है इसकी, जीरो। तो जो लिमिट होती है उसके पास आती जाती है वैल्यूज हमेशा, ऐसा होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस में और वही कॉशी सीक्वेंस में होगा। तभी ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म्स का डिफरेंस बहुत छोटा होता चला जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। मैं एक बार ये वाला भी बना के दिखा देता हूं आपको ये किस तरह से बनेगा, है ना। नए पेज पर ले लेते हैं, चलो। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो मेन चीज समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा आगे, और बहुत सारी चीजें हैं यार बताने लायक। जितना टाइम मैं एस्टिमेट करता हूँ उससे तो बहुत ज्यादा निकल जाता है समझाते समझाते, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर A1 है, A1 मतलब -1 से जा रहा है ये भी, तो ये नीचे आएगा यार, नीचे ले लेते हैं, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये अगर यूं ग्राफ लेते हैं, ये जीरो है तो -1 यहाँ मान लो, तो माइनस का हाफ यहाँ आएगा, फिर माइनस का 1/3, फिर माइनस का 1/4 एंड सो ऑन। अल्टीमेट गोल तो जीरो ही है इसका भी। और यहाँ के अगर पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे तो 1 पर -1 आ रहा था, आप नोटिस करोगे देखो इधर -1 देन माइनस का हाफ, माइनस का 1/3, माइनस का 1/4, यही सब प्लॉट करना है। तो -1 फिर माइनस का हाफ 2 पे, फिर माइनस का 1/3, फिर माइनस का 1/4, 1/5, और ये यूं चलता जाएगा, ये पहुंचेगा जीरो तक ही। और आप देखोगे कि एक टर्म के बाद में आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस अमाउंट, मैं 6 तो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ, बाकी आगे की एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टर्म के बाद की टर्म्स आप चूज करना चाह रहे हो जिनका डिफरेंस अमाउंट एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो वो आप नोटिस करोगे कि एक पर्टिकुलर टर्म के पास में होती जा रही है, तो इसलिए इनका आपस में डिफरेंस बहुत कम है, वो कॉशी सीक्वेंस में होता है हमेशा। कॉशी सीक्वेंस उसी को बोलते हैं मतलब, ठीक है। मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, तीसरा मतलब ये, जिसमें 2, 1/2, 4/3, 3/4 ये आ रहा है। देखो ग्राफ बना देता हूं मैं एक बार इसका भी, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी उससे रिलेटेड भी, क्योंकि वो बहुत ही खास ग्राफ है, उसका सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ उसी का है। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियरली दिख रहे थे अपने को, यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हल्का सा काम। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, और ये यूं आगे चलते जाएंगे, है ना। ऐसे सेम, सबसे पहले तो आप यहां पर 1 बना लो और यहां बना लो 2, ये हो जाएगा 1/2, और ये बाकी का जो भी अपने को रिक्वायरमेंट्स हैं कौन कौन सी हैं देख लो, 2, 1/2, 4/3, 3/4 इस तरह से चलेंगे। तो 4/3 तो 1+1/3 होगा, यहाँ कहीं 4/3 आ जाएगा, और कौन सा था बोल गया मतलब यार, 3/4 था। तो 3/4 आपका यहाँ कहीं होगा, नहीं यहाँ आएगा 3/4, तो ये 3/4 आएगा कहीं आपका, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर प्लॉट करना चाहें अपन तो बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं। वैसे आपको अगर पता हो, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो अपन ने पढ़ ही लिया है, तो आपको उसकी लिमिट पता होगी, शायद 1 आती है उसकी लिमिट। इसका मतलब है, अभी देखो आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। 1 पर आप देखोगे तो 1 पर तो आपके 2 आ रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, 2 रखने पर क्या आ रहा था 1/2 नीचे, 3 रखने पर 4/3, 4 रखने पर 3/4। मैं एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूं, ध्यान से समझना, रेफरेंस लाइन बना रहा हूं केवल 1 पे, वो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये 1 के करीब जाते जाएंगे, सब लोग 1 के करीब जाते जाएंगे, देखना ध्यान से। आप जब भी इसको 4 पे देखोगे तो ये आ गया, 5 पे देखोगे ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, 6 पे देखोगे और पास आएगा, 7 पे देखोगे यहाँ कहीं, 8 पे देखोगे यहाँ कहीं, 9 पे देखोगे यहाँ, 10 पे देखोगे यहाँ। कहने का मतलब ये 1 के पास आता जाएगा, एक ऊपर है 1 के वैल्यू, एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, लेकिन अल्टीमेटली सब पहुंच कहां तक रही है, 1 तक पहुंचना चाह रही है सबकी सब। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद की टर्म्स आप नोटिस करोगे तो बहुत ज्यादा 1 के करीब करीब ही होंगी, तो 1 के करीब करीब होंगे तो उनका डिफरेंस अमाउंट तो बहुत छोटा ही होगा ना। अगर डिफरेंस अमाउंट छोटा हो गया तो कॉशी सीक्वेंस हो गई एक पर्टिकुलर टर्म के बाद में।
वो डिफरेंस अमाउंट ऑब्वियसली एप्सिलॉन से छोटा है और एप्सिलॉन डिपेंड कर रहा है N0 से, तो ये आपस में डिपेंडेंसी भी है और इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा आपको। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया है। ये एग्जांपल ले लेते हैं, देखो। शो दैट सीक्वेंस 1 अपॉन n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज अ कॉशी सीक्वेंस। कैसे प्रूव करेंगे कि कॉशी सीक्वेंस है? बहुत सिंपल तरीका है जी कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने का। देखो ये तरीका लिखा हुआ है यहां पर, आपको बस ये करना है कि an दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वाले से चल रहा हूं अभी, छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको इससे लेंगे, बड़े क्वेश्चन को इससे ले लेंगे, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है दोनों में और मतलब कैसे दोनों यूज आ सकते हैं, है ना। दोनों से ही बताऊंगा मैं, इससे कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे अगर किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है तो an माइनस am को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे और उस एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंडेंट n0 निकाल लेंगे। उस एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंडेंट n0 निकाल लेंगे जिससे बड़े हैं n और m दोनों के दोनों। ऐसी n0 की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे कि ये n0 की वैल्यू है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रही है इस सीक्वेंस में। तो ऐसा हो गया तो वो कॉची सीक्वेंस है। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिटी उसी से आएगी आपको, बोलने से नहीं आएगी, है ना। शुरू करते हैं। an अपने को क्या दे रखा है इसमें, an दिया हुआ है 1 अपॉन n। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि an में से am का जो डिफरेंस है ना और उसका मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए किसी n0 के लिए और उस n0 की वैल्यू एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट आ जानी चाहिए। बस इतनी सी काम है अपने को और कुछ मतलब ही नहीं है। शुरू करते हैं आगे का काम। तो an माइनस am की वैल्यू कितनी होगी, an पता है 1 अपॉन n है, am कितना हो जाएगा, n की जगह m रख देंगे, ये हो जाएगा इसका मॉड। अब मॉड खोलने का ये रूल है कि भैया पॉजिटिव निकलना चाहिए कंक्लूजन, तब जाकर के मॉड हट सकता है। पता तो चले ना कि भाई मॉड से रिजल्ट तो पॉजिटिव आता है। चेक करते हैं ये पॉजिटिव है क्या। भाई अपन ने स्टार्टिंग से क्या सोचा हुआ है या क्या माना हुआ है, n बड़ा है m से, तो 1 अपॉन n जो है वो तो छोटा है ना 1 अपॉन m से, तो कौन बड़ा, 1 अपॉन m बड़ा है। ये लिखने लायक है एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये लिखने लायक बात है साइड में ब्रैकेट में। तो यहां पर आप इसको लिखोगे 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n और फिर भले ही ब्रैकेट खोल दो आप, क्योंकि 1 अपॉन m बड़ा है 1 अपॉन n से, यहां से दिख रहा है अपने को साफ साफ, और उससे ये पॉजिटिव बन जाएगा। मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ एक स्टेप और फिर नेक्स्ट लाइन में इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n। हमने मॉड खोल दिया, मॉड केवल तब हटाना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, तो फिर हटा के लिख दो। अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो माइनस लगा के लिख दो। जैसे यहां पर अंदर वाली चीज नेगेटिव थी, अंदर वाली चीज नेगेटिव थी तो मॉड का यही बस रूल होता है रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अंदर वाली चीज नेगेटिव थी तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m के माइनस लगा के खोल दिया इसको मॉड को, ऐसे समझो ये बेटर तरीका है। और ये पॉजिटिव होती तो डायरेक्ट खोल देते, मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए अपने तरफ से, तो ये है बात। तो ये 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n हो गया, ठीक है। क्या आया ये चल रहा है इधर, इसको भी मैं लिखता जा रहा हूं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा और आपको बेटर समझ में आएगा अगर मैं पैरेलल में लिखता जाऊंगा तो, है ना। ये an माइनस am का जो मॉड है वो इक्वल आ रहा है इसके, ध्यान से समझना अब इसको। 1 अपॉन m में से कुछ घट ही रहा है, माइनस ही हो रहा है ऑब्वियसली। ये 1 अपॉन n जो है, n तो कोई नेचुरल नंबर ही है तो आएगा तो पॉजिटिव ही, तो 1 अपॉन m में से कुछ घट रहा है तो ये लेस देन है ना 1 अपॉन m से, तो क्योंकि 1 अपॉन m में से तो कुछ घटा रहे हैं तो ये चीज बन रही है, तो ये छोटी है 1 अपॉन m से। तो कंक्लूजन क्या है, हमने क्या दिखा दिया कि an माइनस am जो है वो लेस देन है 1 अपॉन m से। इतना हमें समझ में आ गया कि ये चीज लेस देन है 1 अपॉन m से, ठीक है। चलो अब यहां के बाद क्या लिखोगे, एक कमाल की लाइन है वो अपने को यहां पर अब लिखनी है, उससे सब डिपेंडेंसी हो जाएगी क्लियर आपके। आप यहां पर लिखोगे कि इफ 1 अपॉन m इज लेस देन एप्सिलॉन देन an माइनस am का जो मॉड है वो लेस देन 1 अपॉन m तो था ही और उसको हमने लेस देन एप्सिलॉन कर दिया, तो इससे क्या कंक्लूजन आया, इससे कंक्लूजन आया कि अगर इसको भी घुमा दो, अगर m जो है वो बड़ा है 1 अपॉन एप्सिलॉन से, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, देन m बड़ा है 1 अपॉन एप्सिलॉन से देन an माइनस am का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये चीज अगर आपको मिल गई कि an माइनस am का मॉड लेस देन एप्सिलॉन भी आ गया और उस एप्सिलॉन के लिए
आपको एन जीरो भी मिल गया। अब आप बोलोगे सर एन जीरो कहाँ है, तो ये रहा एन जीरो बच्चों, ये रहा एन जीरो, यही है एन जीरो। हमने ये लिखा था ना स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो एन कोमा एम इज ग्रेटर देन एन जीरो, तो एम या एन किससे बड़े आए, एन जीरो से। तो एन जीरो कितना है यहां पर, वन अपॉन एप्सिलॉन, ये एन जीरो है इसके लिए, ठीक है। ये अगर लाइन आपके सामने आ गई है तो आप लिखोगे कि देयरफॉर देयरफॉर ए एम इज अ कॉशी सीक्वेंस, और यहां पर आप लिख देना कि एन जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन आ गया अपना। इतना सिंपल है मतलब इसको करना, कुछ खास काम नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल काम किया है। डिफरेंस ले लिया, चेक कर लिया, यहां तक खोल दिया मोड वोड और चेक किया किससे लेस है, एक्चुअल में किसी से लेस है या ग्रेटर आ रहा है। अगर नहीं होगी कॉशी सीक्वेंस तो ये किसी ना किसी से ग्रेटर आएगा, किसी पॉजिटिव नंबर से। अगर ये किसी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर आ गया, लेस देन एप्सिलॉन की जगह ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कॉशी सीक्वेंस नहीं है, ये चीज प्रूव करो, तो वो ऐसे करते हैं फिर अपन ग्रेटर का साइन ला करके। फिलहाल लेस का आया है। एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी आपको। सेकंड एग्जांपल है कि शो दैट सीक्वेंस एन अपॉन वन प्लस एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज अ कॉशी सीक्वेंस। सेम पैटर्न से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न इन द सेंस आप सबसे पहले तो लिखोगे कि ए एन कितना है भैया, ए एन है एन अपॉन वन प्लस एन, उसके बाद में ए एन में से ए एम को माइनस करोगे, और जब आपको ए एन पता है तो ऑब्वियसली ए एम भी पता है, वो आएगा एम अपॉन वन प्लस एम, एन की जगह एम रख दो और कुछ थोड़ी करना है, ये आ गया। अब इसके बाद अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लोगे तो थोड़ा सा लंबा निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर मैंने वन ऐड कर दिया और वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम यही ऊपर वन को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप एक काम करो, सिंपल सा काम है, वो ये कि इसके नीचे अलग से डिवाइड दे देना, इसके नीचे अलग से, सेम काम, इसके नीचे अलग से डिवाइड वन प्लस एम का और इसके नीचे अलग से डिवाइड, बस इतना काम करना है। मैं मॉड लगाना भूल गया तो मैं मॉड लगा देता हूँ, ये हो गया। अब करो जरा डिवाइड, ये हो जाएगा वन, इसके नीचे ये आ गया, तो फिर माइनस में वन अपॉन वन प्लस एन माइनस वन, और फिर माइनस माइनस प्लस में वन अपॉन वन प्लस एम, ये मॉड आ गया। इसके बाद में ये वन से वन तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। बचेगा क्या, यहां बचेगा वन अपॉन वन प्लस एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एन का मॉड। अब चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा क्योंकि मॉड का पर्पस सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देना है, नेगेटिव हुआ तो माइनस लगा करके हटा देंगे मॉड, बस इतनी सी बात है, ठीक है। नेगेटिव हुआ तो माइनस लगा देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। चेक कर लेते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइड में वही जैसे पहले किया था, हमें एम प्लस वन और एन प्लस वन को कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एन बड़ा है एम से, तो ऑब्वियसली एन प्लस वन भी बड़ा होगा एम प्लस वन से, तो इनका रेसिप्रोकल लोगे तो वन अपॉन एन प्लस वन जो है छोटा है वन अपॉन एम प्लस वन से, मतलब वन अपॉन एम प्लस वन बड़ा है, अल्टीमेट कंक्लूजन तो यही निकल रहा है। तो ये बड़ा है, बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दो वन अपॉन वन प्लस एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एन, ये फाइनली निकल करके आया, ठीक है। क्या आया नीचे लिखता हूं, इसकी वैल्यू आई ना, तो मैं एक बार नीचे लिख देता हूं इस चीज को कि क्या कंक्लूजन तक पहुंचे हैं अभी तक अपन। अभी तक हम लोग पहुंचे हैं कि ए एन माइनस ए एम का जो मॉड है वो इक्वल है वन अपॉन वन प्लस एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एन के, और ये चीज अगर आप नोटिस करो तो लेस देन है वन अपॉन वन प्लस एम के, क्योंकि इसी में से कुछ घट रहा है तो छोटा हो गया ना इससे। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप नीचे लिखोगे कि इफ अगर ये चीज भी लेस देन एप्सिलॉन हो गई तो ये कनेक्ट हो जाएगा ना लेस देन एप्सिलॉन से। तो अगर वन अपॉन वन प्लस एम इज लेस देन एप्सिलॉन then ए एन माइनस ए एम का जो मॉड है वो लेस देन वन अपॉन वन प्लस एम के साथ में लेस देन एप्सिलॉन और जुड़ जाएगा यहां पर। तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, ऐसे केस में इसको रेसिप्रोकल करें तो वन प्लस एम जो है वो ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। देन इफ लगा लो यहां पर भले ही, देन ए एन माइनस ए एम का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, कनेक्ट हो गया। बस अपने को m की वैल्यू चाहिए ऐसी जिसके लिए ऐसा हो रहा है, तो m इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1, देन
an माइनस am का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। अगर m की वैल्यू इससे बड़ी हुई तो an माइनस am का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो अपना काम खत्म, अपना काम हो गया। हमें तो n0 मिल गया, n0 क्या मिल गया यहां पर, ये n0 है जिससे m बड़ा है, और m से भी बड़ा कौन है, n, तो n की तो टेंशन ही नहीं है, n तो m से बड़ा है, तो n0 फिलहाल हमारे को मिल गया, n0 है 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 यहां पर, तो n0 से बड़ा m मिल गया और उसके लिए an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन हो गया। देयरफॉर लास्ट लाइन तो लिख दें, कंक्लूजन तो क्या है उसमें, देयरफॉर सीक्वेंस an इज अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है, ये कंक्लूजन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आए एक बार फिर से इसको देख लेना रिपीटेडली, मैं रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग ही जाएगा क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा है काफी लंबा लेक्चर निकल जाएगा, मेन चीज तो शुरू ही नहीं करी अभी तक, ये है मेन चीज, तो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस।